एक विदाई गीत मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि कलाकार बहुत हैं, सबकी हाजिरी लगनी है दरबार में, और हमारे खन्ना भैया तो सोच रहे हैं कि पता नहीं है कहाँ से आई बहुत कलाकार रहेंगे, लेकिन मैं बहुत कम समय लूंगी खन्ना भैया आपका, हम लोगों को भी निकलना भी है और आपके बहुत सारे कलाकार झांकियां सब बाकी है, लेकिन हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और जागरण में अक्सर महिलाएं बड़ा सहयोग करती हैं कार्यक्रम में, आप लोग पूरी रात बैठती हैं माता के दरबार में, माँ भवानी आप सबकी झोली भरी रखे, सबकी बिगड़ी बनाए, जितनी बच्चियां ये बैठी हैं नन्ही मुन्नी जो मुझसे उम्र में छोटी हैं, सबका बहुत अच्छा परिवार, सुख संपन्नता सब कुछ मिले आपको, शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा मैं सुना रही हूँ हमारी जो बहनें बैठी हैं, आप लोग जब सुनेंगी तो मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा, और ये धुन ऐसी धुन है जो लोग कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, सोना, फिल्म का नाम भी आप लोग जानते हैं नदिया के पार, तो जब आप इस मेरे टुकड़े को सुनेंगी तो आपको लगेगा किसी ने कुछ बहुत अच्छा सुनाया, उसमें एक गीत बजा है कि ऐ गुंजा उस दिन तोरी लीजिएगा, ज्यादा देर 7 बजे का उतना ज्यादा समय जाएगा, कलाकार बहुत है इसलिए बहुत जल्दी मैं निपटा रही हूँ। प्रसंग को आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, हमारे भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है, सती शैव्या, सती नर्मदा, सती गंगा, सती सीता, सती शांडली, लेकिन जिस सती की मैं बात कर रही हूँ वो सती है सती सावित्री। सती सावित्री को पता है कि इतने दिनों में मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, मेरा पति मर जाएगा, फिर भी जरा भारतवर्ष की नारियां देखिए, उस सती ने प्रण कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी।
वो राजा महाराजाओं की लड़की है और मैं निवेदन कर रही हूँ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। राजा महाराजाओं की लड़की है, पैसे वाले घर की है, लेकिन उसमें उसने फिर भी एक गरीब लकड़हारे से विवाह किया और वो जानती है कि इतने दिनों में मेरा पति मर जाएगा। दिन गुजरते गए, एक दिन वो आया जिस दिन उसके पति के प्राण निकलने हैं। सती सावित्री जानती है आज मेरा पति मर जाएगा, और सोच कर देखिए जिस पत्नी को पता हो कि आज मेरा पति मर जाएगा उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, सावित्री ने अपने पति से कहा स्वामी आज आप लकड़ियां काटने जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा चलो, दोनों गए। सत्यवान लकड़ियों का गट्ठर काट कर लाया और पेड़ के नीचे जैसे ही रखा, सावित्री समझ गई है वो समय आ रहा है धीरे धीरे। और जैसे ही लकड़ियों का गट्ठर उसने रखा और पत्नी के गोद में सिर को रखा, धीरे धीरे वो सहलाती रही, सहलाते 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 पति के प्राण निकल गए। सत्यवान के प्राण यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे, सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री चलने लगी, यमराज ने कहा तेरा कोई काम नहीं है, काम तो इनका है, इनका समय पूरा हो गया, तू चली जा बेटी। सावित्री ने कहा आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। सत्यवान कहने लगे तू इतनी दूर आ गई है, चल कोई वरदान मांग ले, मैं तेरा पति तो नहीं दे सकता लेकिन तू कोई वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज अगर मेरा पति नहीं दे रहे तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें आ जाएं। यमराज ने कहा जा एव मस्तु, तेरे सास ससुर की आंखें आ जाएं। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी, यमराज ने कहा आप क्या चाहती है, बड़ी दूर आ गई है, चल चल एक वरदान और मांग ले, पति नहीं दूंगा। सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे तो ऐसा करिए मेरे सास ससुर पति का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा एव मस्तु, ये भी दिया। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी, यमराज कहने लगे तू बड़ी जिद्दी नारी है, तू क्यों नहीं समझ रही मैं तुझे तेरा पति नहीं दे सकता। सावित्री ने कहा मैं पति कब मांग रही हूँ, पति मत दीजिए लेकिन एक आखिरी वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा आखिरी वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा अब ऐसा करिए मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। यमराज ने कहा जा तेरे 100 पुत्र हो। सावित्री हंसने लगी, कहने लगी महाराज जिनसे मेरे 100 पुत्र होने हैं उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं, 100 पुत्र होंगे कैसे। यमराज सावित्री की बातों में फंस गए, और जब फंस गए अपनी बातों में हार गए तो यमराज ने देखिए सावित्री से कहा क्या, कहने लगे कि आंख की ज्योति सास ससुर की, और इतना ही नहीं है सावित्री के मांग मांग के मुझको फंसा के, मांग मांग के मुझको फंसा के अपनी मांग को मांग लिया। कितनी चालाक निकली, और जब मांग लिया तो जा कबहु ना सुनी हुई है तोहरी कलैया हो। बोलिए सच्चे दरबार की,
का बहु ना सुनी हुई है तोहरी कलैया और संग लेके जाओ बेटी अपना ये सैया तो है कुइया तेरा देखे सैया तेरा कहे कुइया तेरा देखे सैया तेरा पूरा वरदान करो वरदान करो दिल्ली से आए हैं आपकी ओर से और बड़े एकाग्र मन से आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और हमारी एक आंटी जी भी 501 मुद्राएं दे गई हैं और मैं समझ रही हूँ शायद संजय भैया के घर से ही पुरस्कार है। मैं मेरा परिचय नहीं है, आप करा देंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं भाभी जी को जान नहीं पाई, हृदय से नमन कर रही हूँ। क्या बात है, आप करी हम संजय भैया वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी को, आप पीएससी से आई हैं और 501 मुद्राएं आपने भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारी भाभी जी हैं, अच्छा संजय भैया वाली। बहुत बहुत धन्यवाद है, माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। अरे वाह, और 501 मुद्राएं हमारे संजय भैया की बहन जी पधारी हैं उनकी तरफ से, और ये यशपाल यादव जी की तरफ से 201 मुद्राएं हैं। सबको धन्यवाद दे रही हूँ, हमारी कुछ बहनें कुछ भाभियां और सभी बच्चियां ये पुरस्कार दे गई, सबका नाम नहीं जान पाई हूँ मैं। इस अपार प्यार के लिए, इस दुलार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।